चार बल्लेबाज शून्य पर आउट, 70 मिनट खेल खत्म। नेपाल ने पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां, 87 रन पर ऑल आउट हुई पूरी टीम। पाकिस्तान इस साल एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है, हालांकि ये काफी मशक्कतों के बाद जाकर हुआ। गौरतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच लंबे समय तक तनातनी चलती रही। भारत इस शर्त पर एशिया कप खेलने के लिए राजी हुआ कि टीम इंडिया अपने मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शर्मनाक प्रदर्शन सामने आ रहा है। नेपाल ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 19.2 ओवर में केवल 87 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। बीते दिन ACC वीमेंस इमर्जिंग टीम्स कप का मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान और नेपाल की टीमें आमने सामने थी। टॉस जीता था नेपाल की टीम ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला उस पल सही साबित हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 विकेट महज 60 रनों पर गिर गए। विकेट के गिरने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट करने के बाद ही खत्म हुआ। पाकिस्तान की पूरी टीम 19.2 ओवर में महज 87 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा मिले 88 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की भी शुरुआत बेहद खराब रही और उनके भी चार बल्लेबाज केवल 40 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने टिकना कोई आसान काम नहीं है। इसके बावजूद नेपाल की टीम ने आखिरी गेंद तक संघर्ष किया। अंत में उनकी टीम सिर्फ 9 रन के लक्ष्य से पीछे रह गई और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जैसे तैसे इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। नेपाल के क्रिकेटर को उनकी 32 गेंदों में 20 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।